वी आर इन द एंड गेम नाउ, डायलॉग था डॉक्टर स्ट्रेंज का। स्ट्रेंज सा माहौल बना हुआ है आज एज वी एंटर द एंड गेम, यानी कि द लास्ट 10 डेज ऑफ दिस ईयर इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि लीग को खत्म होने आ रही है। लेकिन सच कहूं तो एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ना, देर आर मोर थिंग्स दैट आर ऑन द फैंस माइंड एंड हार्ट राइट नाउ, और उनमें से है ये बड़ा सवाल, हु डू वी सपोर्ट इन टुडेज बेंगलुरु एंड चेन्नई कॉन्टेस्ट। क्योंकि आज का मैच इज अ नॉकआउट कॉन्टेस्ट, यानी कि प्लेऑफ्स की रेस में दोनों टीमों में से सिर्फ एक जुड़ेगी बाकी तीन टीमों के साथ। लेकिन सच तो ये ना कि इट्स नॉट जस्ट अनदर नॉकआउट कॉन्टेस्ट, इट्स अ नॉकआउट कॉन्टेस्ट जहां इस सीजन फैंस को आखिरी बार देख सकते हैं या तो विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी। कायनात की साजिश देखिए कि अगर धोनी को फिर देखना है तो विराट को हारना पड़ेगा, और धोनी के इस चहीते को हार किसी कीमत पर मंजूर नहीं। और सिर्फ यही नहीं, आज अगर बेंगलुरु आगे निकल जाती है तो दिस कुड ऑल्सो बी द लास्ट टाइम वी एवर सी महेंद्र सिंह धोनी इन द आईपीएल। और दूसरी ओर दिनेश कार्तिक भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, तो आज अगर बेंगलुरु का सफर टूर्नामेंट में खत्म होता है तो इट ऑल्सो बी द लास्ट टाइम यू विल सी डीके इन द आईपीएल। एंड अबव ऑल इट्स मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट ऑफ दिस स्पेशल जोड़ी ऑन द क्रिकेट फील्ड टुगेदर, जिनको फैंस ने बड़े प्यार से महिराट का नाम दिया, वन ऑफ इंडियन क्रिकेट्स फेवरेट ब्रोमैंस, जहां पर जितना प्यार रहा है उससे कहीं ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रही है। टू आइकॉन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट हु हैव गिवन अस इन्यूमरेबल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड विल प्रोबेबली सी देम प्ले टुगेदर एक आखिरी बार आज। तो आज मैच के एंड में सेलिब्रेट भले ही बेंगलुरु के फैंस करें या चेन्नई के, पर इंडियन क्रिकेट फैंस जिन्होंने पिछले दो दशक से टीम को फॉलो किया है, इट्स इनएविटेबल कि कुछ आंखें तो नम पड़ जाएंगी। लेकिन एंड गेम में बढ़ने से पहले इन्फिनिटी वॉर की कहानी तो बतानी बनती है ना, तो फिर बात करेंगे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के इस ब्रोमांस की, कहां से शुरू हुआ, क्या क्या हाई पॉइंट्स थे, और उसी के साथ में क्या हुआ है इस हफ्ते, कहां खड़े हैं हम इस बड़े नॉकआउट के दौरान। लेकिन पहले चलाते हैं इट्स अ रैप विद जे सैप का बंपर। तो कहानी ये है कि कोलकाता के नाइट्स ने क्वालिफिकेशन की गद्दी पर अपनी तशरीफ पिछले हफ्ते जमा ली थी, लेकिन अभी उस गद्दी पर प्लीज एडजस्ट बोलकर बैठे हुए राजस्थान और हैदराबाद। हालांकि राजस्थान की परेशानियां जयपुर के तापमान की तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं भाई, क्योंकि टीम की आखिरी जीत आई थी 3 हफ्ते पहले, दिस इज ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। इस हफ्ते टीम हारी प्लेऑफ्स की रेस से, बाहर हुई पंजाब से। एट वन पॉइंट इन द टूर्नामेंट राजस्थान के पास 10 मैचेस में से 8 जीत थी, लेकिन उसके बाद एकदम लापता लेडीज वाली अदला बदली हो गई इस टीम और बेंगलुरु की किस्मत के साथ। जहां बेंगलुरु ने 5 जीतों का सिलसिला लगाया है, उसी तरह राजस्थान 4 लगातार मैच हारी है, और अब अपना आखिरी ग्रुप मैच भी अगर हार जाती है ये टीम तो वो टॉप 2 में होने के फायदों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू हैदराबाद, जहां पर 4 साल बाद फाइनली सूर्योदय हुआ है अंडर कैप्टन कमिंस। द टीम्स फर्स्ट प्लेऑफ अपीयरेंस सिंस 2020 गॉट कंफर्म्ड जब उनका मुकाबला धुल गया गुजरात से, और अब तो टीम के पास मौका भी है टू फिनिश इन द टॉप 2 विद कोलकाता। तो क्वाइट एन इनक्रेडिबल कमबैक फॉर अ टीम जो कि पिछले सीजन एकदम टेबल के बॉटम पे खत्म हुई थी, और बॉटम ऑफ द टेबल से याद आया बॉटम हाफ द टेबल, यानी कि वो टीमें हु वुड लाइक टू फॉरगेट दिस सीजन। गुजरात इस मामले में थोड़ा अनफॉर्चुनेट रही, क्योंकि चेन्नई के खिलाफ बड़ी जीत के बाद दोनों मैचेस वॉश आउट हो गए। दिल्ली मीनवाइल फिनिश देयर कैंपेन विद अ विन एंड मे बी ऑल्सो विद अ बेटर क्लैरिटी कि अगले ऑक्शन में किस खिलाड़ी को रिटेन करना है, किसको नहीं करना। खैर, अब वीकली रैप का भी रैप हो गया, सो लेट्स मूव टू द मेन सेगमेंट आज के शो का, जो है हेडलाइन हंटर। और आज के हेडलाइन हंटर्स आर 2 पीपल हु हैव हंटेड रिकॉर्ड्स, ट्रॉफीज एज वेल एज आवर हार्ट्स टुगेदर, एंड टुनाइट माइट बी देयर लास्ट डांस। Yes, we are talking about Mahi and Virat. Not only two of the greatest cricketers this country has produced, but also two of the best ambassadors of the sport. Ye dekhiye. The only person who's genuinely reached out to me has been MS Dhoni. Wow. And for me, that is such a blessing to know that I could have such a strong bond and such a strong relationship with someone who's so senior to me. Where, you know, things are, it's more like friendship based on a lot of mutual respect. And he reached out to me and you can rarely get in touch with him. You know, if I call him on any random day, 99% chances he won't pick up. Wow. Because he just doesn't look at his phone. So for him to reach out to me twice, it's happened now. And that's one of the things that, you know, he mentioned in the same message reaching out to me was, when you are expected to be strong and looked at as a strong individual, people forget to ask you how you are doing. लगभग 15 साल मैदान पर साथ दिखे दोनों खिलाड़ी, और सच बताऊं तो इन दोनों की जर्नी इज अ पार्ट ऑफ जर्नीज ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। 2008 में एक यंग पैशनेट ब्रूडिंग विराट कोहली बने मेजर्ड मेटिकुलस कैप्टन कूल माही की टीम का हिस्सा, साथ में
वर्ल्ड कप जीता, साथ में जीती चैंपियंस ट्रॉफी, जहां माही ट्रॉफी जीत के एक कोने में गुम हो जाते थे, वहीं विराट की सेलिब्रेशंस फ्रंट पेज मटेरियल बनती थी। एब्सोल्यूट आइस एंड फायर वाली जोड़ी, आइस कीपर, फायरमैन, एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑन द पिच प्रोड्यूस सम एब्सोल्युटली अडोरेबल मोमेंट्स दैट अंडरलाइन दिस रिलेशनशिप। एक आया था 2014 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिनिशर माही ने अपना ट्रिब्यूट दिया टू द न्यू फिनिशर ऑफ द टीम बाय ब्लॉकिंग अ बॉल एंड अलाउ किया विराट कोहली आप चेज खत्म करिए। और जब माही अपने एलिमेंट्स में होते थे तो उनके सबसे बड़े चेयर लीडर और समर्थक बनते थे विराट। 2014 में जब MS ने देखा कि विराट तैयार हैं टेस्ट कैप्टेंसी के लिए, तो एकदम चुपचाप MS स्टाइल में ही क्वाइटली स्टेप्ड अवे एंड पास्ड ऑन द बटन टू विराट। और दो साल बाद भी वैसी स्मूथ कैप्टेंसी ट्रांजिशन हमने देखी वाइड बॉल क्रिकेट में। इस फायर और आइस के खेल में आइस का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहा विराट के फायर, क्योंकि ओवर द इयर्स वी हैव सीन विराट डेवलप इनटू अ मैच्योर क्रिकेटर, मैच्योर कैप्टन एंड एन इवन मोर मैच्योर मैन विद हिज माही भाई ऑलवेज देयर इन द बैकग्राउंड। टीम के कैप्टन बनने के बाद भी विराट ऑलवेज लुक्ड अप टू MS। और जब धोनी के रिटायरमेंट पे विराट ने अपना ट्रिब्यूट वीडियो में कहा यू विल ऑलवेज बी माई कैप्टन, सब जानते थे हाउ मच इट मेंट टू हिम। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही रिजर्व्ड फॉर MS, जो कि एक दिल्ली का लड़का सिर्फ अपने बड़े भाई के लिए रखता है। इन दो खिलाड़ियों ने ना बहुत खुशियां दी है इंडियन फैंस को, और पिछले 5 सालों में सिर्फ एक दो मौके मिलते थे इन दोनों के साथ फील्ड पे एक ही मैच को एंजॉय करने के। एंड टू थिंक कि आज रात ये आखिरी बार होने वाला है, और एक की खुशी कैन मीन द एंड ऑफ द रोड फॉर द अदर। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इमोशन समझाने के लिए भाई। लेकिन बिफोर इस रैप को हम खत्म करें, ये बता दूं RCB फैंस की सिर्फ जीतना नहीं होगा, आपको जीतना पड़ेगा 18 रन के मार्जिन से, या फिर मैच खत्म करना पड़ेगा 18.1 गेंद पे अगर आगे जाना है। और अगर मैच चढ़ जाता है बारिश की भेंट, जो कि इस हफ्ते 2 मैचेस चढ़ चुके हैं, इन दैट केस चेन्नई विल क्वालिफाई विद 15 पॉइंट्स। इट विल बी इमोशनल, क्योंकि आप सब की तरह हम भी फैंस हैं। अब ये शायद एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इस लीग को कि उस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, और इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें बदली हैं, जिस मोमेंटम को लेके आ रहे हैं, वो मोमेंटम उनके काम आएगा। लेकिन चेन्नई ऐसे मुकाबले पहले खेल के बहुत जीती है। बात सिंपल है, या माही दिखेंगे या विराट दिखेंगे आगे क्वालिफिकेशन में, लेकिन दोनों एक साथ शायद फिर ना दिखें। जिएगा इस मुकाबले को, देखिएगा नहीं, जी लीजिए, जितनी यादें हैं वो भर लीजिए, दिल जो है ना उसमें जगह बना के बटोर लो इन मोमेंट्स को, क्योंकि लीग स्टेज का शायद एक मुकाबला जो इतना हिस्टोरिक हो आज तक IPL में शायद नहीं हुआ। इट्स अ रैप जेस ऐप में इतना ही, क्योंकि काम करना है, शाम को 6 बजे आपके साथ जुड़ जाएंगे। बाकी जितनी कड़ियां हैं इस माहिरात की खूबसूरत इमोशनल कहानी की वो बताएंगे शो पे 6 PM। डोंट मिस आउट, इट डजंट गेट बिगर देन दिस।